हेलो दोस्तों, मेरा नाम है और आप देख रहे हैं टेक टॉपिक। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ प्लेक्सटोन की ये G15 गेमिंग हेडफोन्स के बारे में। ये जो हेडफोन्स है आपको आसानी से मार्केट में किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट पे 1200 रुपये में मिल जाएंगे। इसके जो बेस्ट बाय लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप इन हेडफोन्स को परचेज कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे ये प्लेक्सटोन के G15 गेमिंग हेडफोन, कैसे इसके बिल्ड क्वालिटी, कैसे इसके परफॉर्मेंस, क्या है इसके प्रोज एंड कॉन्स, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्या ये आपकी हार्ड एंड मनी को वर्क करते हैं या नहीं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। इस टाइम लेट्स रोल द इंट्रो गाइस। सबसे पहले बात करते हैं प्लेक्सटोन के G15 गेमिंग हेडफोन्स की अनबॉक्सिंग की। अनबॉक्सिंग यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग रही क्योंकि यहाँ पे आपको गेमिंग हेडफोन्स होने की वजह से काफी कुछ एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। जैसे ही आप इसके बॉक्स को ओपन करते हैं, सबसे पहले आपको चीज देखने को मिलती है वो है प्लेक्सटोन के G15 गेमिंग हेडफोन्स। उसके बाद आपको एक चीज देखने को मिलेगी वो है ये ऑडियो केबल जो आप अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके गेमिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट चीज आपको देखने को मिलेगी वो है एक्स्ट्रा ईयरबड्स, और ये ईयरबड्स की क्वालिटी जो है वो काफी अच्छी है। और यहाँ पे आपको क्लिपर भी देखने को मिलेगा जिसके थ्रू आप अपने हेडफोन्स को अपनी टाई पे या फिर अपनी शर्ट पे क्लिप भी कर सकते हैं। और लास्ट में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी वो है यूजर गाइड और एक साल का वारंटी कार्ड। सो दैट्स इट फॉर द अनबॉक्सिंग गाइड। अब हम बात करते हैं प्लेक्सटोन की G15 गेमिंग हेडफोन की डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की। अगर मैं बात करूँ डिजाइन की, यहाँ पे प्लेक्सटोन ने काफी अच्छा काम किया है। यहाँ पे इन्होंने फिनिशिंग पे काफी ज्यादा ध्यान दिया है, जैसे आप देख सकते हैं ये टेक्सचर, ये पेंट जॉब, ओवरऑल जो लुक है प्लेक्सटोन के G15 गेमिंग हेडफोन्स की वो काफी प्रीमियम है। तो डिजाइन के मामले में यहाँ पे देना चाहूंगा 9 out of 10। अब हम बात करते हैं प्लेक्सटोन के G15 गेमिंग हेडफोन्स की बिल्ड क्वालिटी की। अगर मैं बात करूँ बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मेटेलिक शेल्स मिल रहे हैं। जो वायर की क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी है, जो 3.5 mm जैक है उसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है। और यहाँ पे आपको एल शेप में मिल रहे हैं, तो आपको अगर अपने स्मार्टफोन पे लगा के अपनी पॉकेट में भी डाल देते हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और यहाँ पे जो आपको इन माइक कंट्रोल मिल रहे हैं वो भी यहाँ पे आपको काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो आपको वॉल्यूम रॉकर मिल रहा है वो आपको स्लाइडर की तरह मिल रहा है, तो आप स्लाइड करके वॉल्यूम अप और डाउन कर सकते, जो मुझे काफी लाइक यूनिक लगी इस प्राइस में। मैंने कहीं किसी भी और हेडफोन में ये फीचर नहीं देखा। और यहाँ पे आपको बटन भी मिलता है जिसके थ्रू आप अपनी जो कॉल है उसके एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं और म्यूजिक भी प्ले पॉज कर सकते हैं। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में भी मुझे ये प्लेक्सटोन के G15 गेमिंग हेडफोन काफी अच्छे लगे। हालांकि अगर फ्लैट सेल केबल या ब्रेटेड केबल होती तो वो मुझे ज्यादा बेहतर लगती, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे इनको देना चाहूंगा 8.5 out of 10। दोस्तों अब हम बात करते हैं ये प्लेक्सटोन के G15 गेमिंग हेडफोन्स की साउंड क्वालिटी की। क्योंकि अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, डिजाइन अच्छा है, लेकिन साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आपको इन ईयरफोन्स को परचेज करने का कोई भी फायदा नहीं होगा। और यहाँ पे प्लेक्सटोन के G15 गेमिंग हेडफोन्स आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे साउंड क्लैरिटी की, तो साउंड क्लैरिटी के मामले में मुझे इनसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही नेचुरल और क्लियर साउंड आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूँ बेस की, तो बेस यहाँ पे आपको काफ़ी डिसेंट सी मिल जाएगी, ऐसा नहीं आपको बहुत बेहतर बेस मिलेगी। और बेस भी यहाँ पे आपको डीप बेस नहीं मिलती है, थोड़ी सी आपको बूमी सी बेस ही मिलेगी, जो आपको अगर पसंद है तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप डीप बेस के शौकीन हैं तो शायद आपको ये ईयरफोन इतने ज़्यादा पसंद ना आए। अगर मैं बात करूँ क्लैरिटी की ऑन फुल वॉल्यूम, अगर आप फुल वॉल्यूम पे भी इन ईयरफोन को यूज़ करते हैं तभी आपको साउंड क्लैरिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी आपको नॉइस या फिर कोई भी डिस्टॉर्शन वगैरह ऑडियो में आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। अगर मैं बात करूँ नॉइस कैंसिलेशन की, तो नॉइस कैंसिलेशन ये ईयरफोन काफ़ी अच्छे से करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इनका जो ईयरबड्स का जो डिज़ाइन है वो सिलिकॉन का, वो काफ़ी अच्छा है, तो काफ़ी अच्छे से नॉइस कैंसिलेशन करते हैं। और ये वन ऑफ द बेस्ट ईयरफोन्स इन नॉइस कैंसिलेशन के मामले जो मैंने आज तक यूज़ किए हैं इस प्राइस रेंज में। तो ओवरऑल साउंड क्वालिटी के मामले में मुझे इन ईयरफोन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी क्लियर और नेचुरल साउंड है, ज़्यादा लाउड साउंड भी नहीं है जिसकी वजह से आपके कान दुखने लग जाएं, और काफ़ी कंफर्टेबल है। अगर आप काफ़ी लंबे समय तक म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं या काफ़ी लंबे समय तक गेमिंग करते हैं तब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, काफ़ी कंफर्टेबल टू वियर है। और ओवरऑल साउंड क्वालिटी और कंफर्ट के मामले में काफ़ी अच्छे हैं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो साउंड क्वालिटी और कंफर्ट के मामले में मैंने देना चाहूँगा 9 out of 10।
अगर हम बात करें बेस की, तो बेस यहाँ पे थोड़ी सी एवरेज ही है, तो अगर आप बेस लव रहे हैं तो शायद आपको ये ईयरफोन इतने ज़्यादा पसंद ना आए, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको डिसेंट बेस देखने को मिल जाएगी। और ओवरऑल बेस के मामले में मैं इसे देना चाहूँगा 8 out of 10। तो दोस्तों ये तो बात होगी इसकी परफॉर्मेंस की, अब बात करते हैं इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स की। सबसे पहले जो इसका प्रो है वो ये है कि ये गेमिंग हेडफोन्स हैं और आप इसे कंप्यूटर पे भी यूज़ कर सकते हैं और अपने मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो इसका प्रो है, इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, नेचुरल है, और यहाँ पे आपको काफ़ी क्लियर वॉइस सुनाई देगी, तो आपको क्लैरिटी के मामले में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो तीसरा मुझे इसका प्रो लगा, यहाँ पे इन्होंने माइक्रोफोन दिया है, उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी, ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइस ये कैच नहीं करता और काफ़ी आपको एक क्लियर वॉइस प्रोवाइड करता है जो पर्सन सामने से सुन रहा होता है। जो चौथी बात मुझे इन ईयरफोन्स की अच्छी लगी, तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक जो डिज़ाइन दिया है वो मुझे इन ईयरफोन्स में काफ़ी अच्छा लगा। प्रो है वो ये काफ़ी कंफर्टेबल हैं और काफ़ी लाइट वेट भी हैं। ये ईयरफोन्स आप आसानी से पहन के रनिंग कर सकते हैं, जिम कर सकते हैं, या फिर आप आसानी से पहन के बाइक राइड कर सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ये आपके ईयर से स्लिप नहीं होंगे। तो इसकी जो डिज़ाइन है और कंफर्टेबिलिटी है वेयर करने की वो काफ़ी अच्छी है, तो आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अभी जो मैं स्टंट परफॉर्म करने वाला हूँ वो आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपको चक्कर खाने का बहुत ज़्यादा शौक है। अगर मैं बात करूँ कुछ कॉन्स की, तो यहाँ पे कॉन्स के मामले में मुझे जो सबसे बड़ा कॉन इन ईयरफोन में लगा, हालांकि वो कॉन नहीं है, अगर यहाँ पे ये फ्लैट स्टाइल केबल देते या ब्रेडेड केबल देते तो वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती, लेकिन ये ऐसा नहीं कि वायर की क्वालिटी बेकार है, वायर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मजबूत भी है, लेकिन फ्लैट स्टाइल केबल का ऐसा है कि वो टेंगल फ्री वायर्स की तरह काम करती है, इसमें थोड़ी सी ऐसे वायर्स थोड़ी सी उलझ जाती हैं जिसकी वजह से थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें कुछ मेजर कॉन नहीं है बताने के लिए। तो हम बात करते हैं कि क्या ये हेडफोन एक वैल्यू फॉर मनी हेडफोन है या नहीं। अगर मैं बात करूँ साउंड क्वालिटी की, तो यहाँ पे साउंड क्वालिटी में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, काफ़ी क्लियर साउंड है और काफ़ी नेचुरल सी साउंड यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूँ डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी बेहतरीन इनकी बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन है प्लेक्सटोन के G15 गेमिंग हेडफोन्स की। तो यहाँ पे ऐसा कोई मेजर कॉन नहीं है जिसकी वजह से मैं आपको ये हेडफोन ना रेकमेंड करूँ। तो मेरी तरफ से प्लेक्सटोन G15 गेमिंग हेडफोन्स को एक पिक मिलती है, आप डेफिनेटली इन हेडफोन्स को बाय कर सकते हैं। इसका जो बेस्ट बाय लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाके आप इसे परचेज कर सकते हैं, जिसके थ्रू मुझे भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी और आपको भी आसानी से जो प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा। तो अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी अबाउट दिस प्लेक्सटोन G15 गेमिंग हेडफोन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं जरूर उस पर गौर करूंगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नाउ आई विल टॉक टू यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, बाय।